तो फ्रेंड्स थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही देखा है, टाइटल भी सही है, कोई भी क्लिक बेट नहीं है। सच में मोटोरोला G13 के ऊपर एंड्रॉयड 14 का अपडेट आ चुका है। मानना तो आपको पड़ेगा ही, सच में फ्रेंड्स मोटोरोला G13 के ऊपर एंड्रॉयड 14 का ऑफिशियल अपडेट आया है। और हाँ, ये मोटोरोला G13 ही है, इसके ऊपर मैंने कस्टम स्किन चढ़ाया हुआ है और ये ऑफिशियल अपडेट है। इस अपडेट में साइज कितना होगा, क्या क्या चेंजेस है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बोलने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। और हाँ, ये मोटो G13 ही है, मैं आपको प्रूफ के लिए दिखाता हूँ। देखिए सेटिंग के अंदर मैं गया हूँ, उसके बाद अबाउट फोन में इधर आप देख ही सकते हो कि ये मोटो G13 ही है, इसके ऊपर मैंने कस्टम स्किन चढ़ाया हुआ है। और ये रहा ये जो अपडेट अभी आया है, दिखाई देख ही सकते हो, मैं आपके सामने ही इसको अपडेट करूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। देखिए एंड्रॉयड 14 लेट सेलिब्रेट योर इंडिविजुअलिटी। जी हाँ, मुझे यकीन नहीं है कि सच में इसमें अपडेट आया है और इसका पूरा चीज़ क्या क्या नया फीचर एंड्रॉयड 14 के ऊपर आया है। आपको तो ये मालूम है कि मोटो जो है स्टॉक एक्सपीरियंस आपको देता है, तो जो एंड्रॉयड 14 ऑफिशियल में जो अपडेट आया था वही आपको इधर देखने को मिलेगा। इधर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, देखिए इधर मोटो G13 एंड्रॉयड 14 का, लेकिन क्या क्या चीज़ आया मैं आपको बता दूंगा। तो इस अपडेट को आप देख ही सकते हो कि 1.53 GB का है, जिसको मैं ओके कर देता हूँ। और अगर आपके पास वाईफाई है तो आप वाईफाई से डाउनलोड कीजिए, अगर वाईफाई नहीं है तो मोबाइल डेटा का यूज़ कीजिएगा। तो वाईफाई एंड मोबाइल डेटा इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए, अगर आपके पास वाईफाई या फिर मॉडल जो भी हो एक्चुअली। उसके बाद देखेंगे कि वेरीफाइंग अपडेट, और ये अपडेट मेरा होने लगा है। तो फाइनली ये फुल अपडेट हो चुका है, बहुत टाइम लगा, तो आपको बस इंतज़ार करके इसको अपडेट कर लेना है। हालांकि आप बैकग्राउंड में अपडेट कर सकते हो, उसके बाद रिस्टार्ट होगा फिर हो जाएगा। अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस आया है मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि जब आप इसको अपडेट कर लोगे तो आपको उतना मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा, सिर्फ नंबर में चेंजेस आपको दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चेंजेस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले चीज तो आप इसका लॉक स्क्रीन देखिए, लॉक स्क्रीन में अभी आपको जो क्लॉक विजेट है ये आपको चेंज नजर आएगा। हालांकि ये मुझे पसंद नहीं, जो पहले वाला था मोटा मोटा पहले फ्रंट में आता था वो ही मुझे काफ़ी पसंद था, लेकिन अभी आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। और हाँ, मैं सिंपली स्वाइप टू अनलॉक यूज़ करता हूँ। अपडेट के बाद UI में आपको चेंजेस उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे थोड़ा एनिमेशन में दिखा कि एनिमेशन मुझे अभी इसका अच्छा लगा। जी हाँ, मुझे थोड़ा एनिमेशन में अच्छा लगा, थोड़ा मुझे स्मूथ लगा। कंट्री सेंटर देखोगे तो पहले जैसा ही आपको लगेगा। इधर आपको स्टेटस बार अभी नीचे इधर आपको इस प्रकार से जो है नेटवर्क जो है शो करता है, और कुछ जो है शॉर्टकट जो होता है ना टॉगल्स, वो आपको ऐड हुआ है। जैसे कि मुझे ये फॉन्ट साइज दिखा और बाकी की चीज़ें आप देख ही सकते हो। और नोटिफिकेशन पैनल में उतना सारा चेंजेस मुझे नहीं दिखा, लेकिन जो एनिमेशन वगैरह है ये काफ़ी अच्छा लगा। बटन में चेंजेस है, क्लियर ऑल अभी आपको दिखेगा। इधर आप देख ही सकते हो कि इधर से आप स्वाइप कर सकते हो और जो ऐप है उसका आपको ऊपर दिखेगा। इसके ऊपर टैप करोगे तो स्प्लिट टॉप में ले जा सकते हो ये वाले को, तो स्प्लिट टॉप करोगे तो वो टॉप पे आएगा। इसको अगर आपको बॉटम में रखना है तो इधर कर सकते हो, इधर टैप करके तो ये बॉटम हो जाएगा। तो स्प्लिट स्क्रीन इसी प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। रिसेंट बटन में एक और चीज़ मुझे दिखा है, अभी इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। रिसेंट में अभी आपको एक और चीज़ दिखेगा कि जब आप इसको स्क्रीन शॉट लेगो ना इधर से ही, तो इस ऐप का मान के चलिए कि इस ऐप का भी स्क्रीन शॉट लेना है, सिर्फ यही का ही लेगा अभी। देखिए ये देखिए, और स्क्रीनशॉट तो ले लिया, अभी आपको इसको एडिट करना है तो वो आप इधर से कर सकते हो। एडिट में एक चेंजेस आया है गैलरी के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो इधर आपको रिसेंट में भी दिखेगा, इसको आप लॉक कर सकते हो और एक साथ सभी को क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन जो लॉक रहेगा वो तो लॉक ही रहेगा। इसको अनलॉक करोगे फिर क्लियर ऑल करोगे फिर वो रिसेंट में चला जाएगा। तो रिसेंट में आपको अभी चेंजेस दिखेगा। और गैलरी में मतलब कि जो फोटोज एप्लीकेशन है गूगल का, उसमें एक चेंजेस है कि जिस फोटो के ऊपर टैप करके आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो अभी आपको ए वाला ऑप्शन दिखेगा। तो इधर आपको एक मैजिक एडिटर आप इसको कह सकते हो, ट्राई कीजिएगा। तो ये आपका जो है ट्राई करने का ऑप्शन अभी दिया गया है, शायद ये बाद में पेड हो जाए। तो इसके ऊपर आप टैप करोगे तो ये जो है ऑटोमेटिक ही कुछ चेंजेस करेगा। देखिए जेनरेटिंग कर रहा है अभी, मैं आपको चीज़ दिखा देना, मतलब कि AI के जैसा फीचर है ये। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आ चुका है, देखिए एडिट करके दिया गया है आपको AI की तरह। देखिए पहले मेरा फोटो कैसा था
उसको किस प्रकार से एआई की मदद से चेंज कर दिया है, जो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। शायद बाद में पेड कर दे इसको, अभी तो फ्री में है, मुझे लगता है कि बाद में पेड कर देगा। तो इस तरह का चीज़ है जो गैलरी है, मतलब जो फोटोज एप्लीकेशन है गूगल का, उसके अंदर चेंजेस है। तो ये अपडेट के बाद भी आया है, अगर इस फोटो को पर्टिकुलरली अपडेट करोगे तो भी ये शायद आ जाएगा। तो ईयूआई के मामले में मुझे उतना भी चेंजेस नहीं दिखा। कैमरा में आते हैं तो कैमरा के ईयूआई में मुझे थोड़ा चेंजेस दिखा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इधर से थोड़ा नीचे डाउन करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से अभी ईयूआई नज़र आएगा कैमरा के अंदर। सेटिंग दिखाऊं तो पहले जैसा ही मुझे लग रहा है, और बाकी के चीज़ें मैं आपको थोड़ा ईयूआई में चेंजेस दिखेगा। देखिए मैं आपको अगर दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। वीडियो में आते हैं तभी आपको जो है मिक ऑन ऑफ करने का इधर ही दिख जाता है, आप हर एक तरह से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का मुझे दिखा कैमरा में, मतलब कि थोड़ा एकदम सा माइनर चेंजेस है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि मैंने सचमुच एंड्रॉयड 14 पे अपडेट कर लिया है। सेटिंग एक बार देख लीजिए कि सेटिंग के यूआई में आपको जो है भाग भाग करके दिया गया है। देखिए लाइन नीचे है तो नज़र आएगा, पहले जैसे ही लग रहा है लेकिन चेंजेस है। और अबाउट फोन में मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि ये देखिए, ये एक्चुअली एंड्रॉयड 14 पे ही अपडेट हो चुका है। 5th June 2024 का जो है ये अभी सिक्योरिटी पैच लेवल है, और ये रहा एंड्रॉयड वर्सन एंड्रॉयड 14। इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो एक जो है आपको हिडन गेम कह सकते हो आप इसको, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा एंड्रॉयड 14 में जो होता है। ओके, जो नया फीचर ऐड हुआ है सेटिंग के अंदर है। सेटिंग के अंदर अभी आपको वॉलपेपर इन स्टाइल में दिखेगा नया चीज़, कि अभी आपको कुछ इस तरह का कलर्स दिखेगा, बहुत सारे थीम का कलर्स इसको आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरा नोटिफिकेशन कलर इस तरह का है, तो अभी कुछ इस टाइप का आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन कलर दिया गया है, बेसिक कलर्स तो है ही, उसके साथ जो इधर आप देख ही सकते हो उसके साथ साथ इस तरह का भी दिया गया है, जो नया नया चीज़ है ऐड हुआ है। तो इस कलर में चेंजेस है। और वॉलपेपर्स की बात करें तो मुझे वॉलपेपर्स नया नज़र आया है। चेंज वॉलपेपर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का वॉलपेपर्स दिखेगा, देख लीजिए। फिर बहुत टाइम बाद स्क्रीन ऑन टाइम अभी आपको बैटरी के अंदर ही दिया गया है। स्क्रीन ऑन टाइम के अंदर क्या देखते थे हम कि कितना देर से हमारा स्क्रीन ऑन है, तो अभी ये आपको बैटरी में, पहले तो बहुत अंदर जाना पड़ता था, लेकिन इस अपडेट में अभी बैटरी के सेक्शन में ही आपको दिख जाएगा बैटरी यूसेज के अंदर। ये देख लीजिए, इधर आपको बस थोड़ा इंतज़ार करना है, फिर स्क्रीन ऑन टाइम आपको दिख जाएगा कि 1 घंटे 2 मिनट। और इधर से आप जो है प्रेस करके पार्टिकुलर कौन से टाइम पे आपने कौन सा चीज़ यूज़ किया है, व्यू बाय एप्स व्यू बाय सिस्टम, तो ये भी आपको दिख जाएगा कि स्क्रीन जीपीयू वॉइस कॉल्स वाईफाई कितने में आपको कितना यूज़ किया है पर्टिकुलर टाइम पे भी आप देख सकते हो। तो इसका बैटरी बैकअप पहले जैसा था अपडेट के बाद भी वैसा ही है। और मेरे हिसाब से इस फ़ोन का बैटरी बैकअप मुझे अच्छा ही लगा है जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो फीचर ऐड हुआ है ये मुझे बहुत ही पसंद आया। एक्सेसिबिलिटी में जाना होगा और इधर आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद फ्लैश नोटिफिकेशन का दिखेगा। इधर दो फीचर है एक्चुअली, हालांकि फ्लैश नोटिफिकेशन ही ये फीचर है, इसके अंदर दो फीचर है। कैमरा फ्लैश जो फीचर है, इससे क्या होगा कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आपका जो कैमरा है ये फ्लैश करेगा। ये बहुत पुराने फ़ोन में भी ये फीचर अलाउ होता है, लेकिन इस फ़ोन में अभी आया है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई नोटिफिकेशन आएगा तो या फिर अलार्म बजेगा तो आपका जो है फ्लैश जलेगा। तो मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ, देखिए इसमें जो है फ्लैश जलेगा। मैं पहले भी एक बार यूज़ किया था आपको दिखाने के लिए। देखिए जैसे मैं नोटिफिकेशन भेजूँगा, मतलब कि मैसेज जाएगा, तो इधर फ्लैश जो है मतलब कि फ्लैश होगा, देखिए इस तरह का, तो इससे आपको पता लग जाएगा। हालांकि मैसेज ऑलरेडी आ चुका है लेकिन इधर आपको उल्टा है तो फ्लैश से पता लग जाएगा। सीधा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी फ्लैश चलेगा। तो इस तरह का एक चीज़ है। उसी के साथ साथ एक और है कि स्क्रीन फ्लैश मुझे एक कुछ ज़्यादा पसंद आया। स्क्रीन कैमरा फ्लैश से स्क्रीन फ्लैश मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसको इनेबल करोगे तो ये भी फ्लैश नोटिफिकेशन ही करेगा, लेकिन ये पीछे से नहीं, ये सामने से जो स्क्रीन है ये एक्चुअली ग्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, देखिए अगर आपको रेड लेना है या फिर येलो या फिर कोई दूसरा, तो अभी मैं ब्लू कर रहा हूँ, फिर डन कर दिया। अगर ये आपका एनेबल है, फिर अगर आपका ये स्क्रीन ऑफ है, अगर कोई नोटिफिकेशन आए, सिर्फ SMS ही नहीं, अगर कोई WhatsApp में भी मैसेज करे, कोई भी नोटिफिकेशन आए, तो ये आपका ग्लो करेगा। ये देखिए मैं इधर लिख देता हूँ कुछ, आप नोटिस कीजिएगा कि स्क्रीन फ्लैश होगा। ये देखिए दो बार जो फ्लैश हुआ वो ब्लू कलर का, क्योंकि हमने ब्लू सेट किया था। अगर आप कोई और कलर चूज़ करोगे तो वो भी फ्लैश होगा। अगर मैं इसको ग्रीन करता हूँ, फिर डन के ऊपर क्लिक कर दिया,
तो ये देखिए कुछ इस तरह का जो है शो होगा। सिर्फ बंद है तभी नहीं, उससे पहले भी मतलब कि आप कोई काम कर रहे हो और जब आप मैसेज करोगे तो भी ये फ्लैश करेगा अगर ये ऑन है तो। ये देखिए कुछ इस तरह का ये चीज़ है। और ये जो कलर है इधर आप चेंज कर सकते हो अगर आपको पिंक चाहिए, और इधर आप प्रीव्यू भी देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है अलग अलग कलर जो है वो आप इस प्रकार से देख सकते हो। इसी एक्सेसिबिलिटी में आपको और फीचर देखने को मिलेगा, जैसे कि मैग्निफिकेशन वाला एक फीचर है, ये पहले भी था लेकिन अभी आपको एक नया चीज़ दिखेगा। इसके लिए आपको इसी एक्सेसिबिलिटी में मैग्निफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसको बस आपको इनेबल करना होगा, फिर ओके कर दीजिए। फिर ये जो मैग्नीफिकेशन है इधर आप देखोगे कुछ इस टाइप को, तो आपको दिखता था पहले, इधर आप ले जा सकते हो अगर देखना है। इधर टैप करके आप इसका जो है साइज इस प्रकार से चेंज कर सकते हो, ये देखिए जूम कर सकते हो, उसके बाद पार्टिकुलर ये जो साइज है वो आप आपके हिसाब से इधर से चेंज कर सकते हो। तो जिनको ये फीचर पसंद है वो यूज़ कर सकते हो, हालांकि मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता। और इसी एक्सेसिबिलिटी में एक और फीचर ऐड हुआ है, और ये सबके लिए नहीं है, जिनको कानों में सुनने में कोई प्रॉब्लम है, जो हियरिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, इन शॉर्ट जो कानों में मशीन लगाते हैं उनके लिए है। तो एक्सेसिबिलिटी फीचर में ही आपको दिख जाएगा, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ये देखिए हियरिंग AIDS आपको ऑप्शन दिख जाएगा, फिर ये आपको ऑन करना होगा। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये आपका तभी काम करेगा अगर जो आप हियरिंग मशीन यूज़ करते हो आपके कानों में वो एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है, तो ही आप उसको पेयर कर सकते हो आपके फ़ोन के साथ। तो ये वाला चीज़ ऐड हुआ है। नेक्स्ट फीचर आपको सेटिंग के अंदर दिखेगा, सेटिंग के अंदर आपको प्राइवेसी वाले सेक्शन में आना होगा, प्राइवेसी, फिर आपको प्राइवेसी में क्लिक करना होगा। ये देखिए हेल्थ कनेक्ट वाला, ये जो चीज़ है इधर से आप कनेक्ट कर सकते हो आपका हेल्थ वाला कोई एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो। देखिए कॉम्पेटेबल जो एप्लीकेशन है अगर आप कोई यूज़ करते हो इनमें से तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इधर दिया गया है कि कौन सा ऐप काम करेगा इसके साथ, अगर आपको इस तरह का अगर आप ऐप यूज़ करते हो तो उसके साथ डायरेक्ट आप कनेक्ट करके उस चीज़ को इधर यूज़ कर सकते हो। इस अपडेट के बाद अभी आपको एक नया ऐप दिखेगा जो फैमिली स्पेस है, लेकिन ये जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं है, देख ही सकते हो कि एक कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली आप इसको प्रेस एंड होल्ड कीजिएगा, फिर ऐप इन्फो में आइएगा, फिर इसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि कोई काम का है नहीं अगर हमारे ऐप इधर अवेलेबल नहीं है तो। तो कुछ इस तरह का है फ्रेंड्स इस अपडेट में जो आया है, एंड्रॉयड 14 का अपडेट दिया गया है इस फ़ोन में, यही बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि कुछ और फीचर्स ऐड कर देता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन जितना भी दिया गया है इस फ़ोन के हिसाब से मुझे ठीक ठाक ही लगा। और एक बात कि एक इस फ़ोन में जो पहले से ही एक प्रॉब्लम था कि कोई भी आप जब YouTube में गाना सुनोगे या फिर जहाँ पर भी गाना सुनोगे तो पहले नीचे से आवाज़ आता था स्पीकर का, उसके बाद एक दो तीन सेकंड बाद इधर से आता है, तो ये प्रॉब्लम अभी भी है, वो प्रॉब्लम हमेशा रहेगा भाई, अपडेट के बाद भी फिक्स नहीं हुआ है, मतलब कि आगे भी रहेगा। तो वो एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो पहले जैसा ही है। तो फिर जैसे कि आपने देखा Motorola G13 के ऊपर Android 14 का ऑफिशियल अपडेट के बाद क्या कुछ चेंजेस आया है, मैंने आपको इस वीडियो में बोलने की कोशिश किया है। इस अपडेट को आप बिंदास कर सकते हो, 1.5 GB का डाउनलोड साइज है इसका, और बिंदास कर सकते हो मतलब कि कोई भी ऐसा मुझे बग्स इशू नहीं दिखा, जैसे कि हैंगिंग वगैरह इशू या फिर कोई बैटरी बैकअप में इशू, पहले जैसा था Android 13 में ठीक वैसा ही है। परफॉर्मेंस इसका अपडेट के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो थोड़े बहुत एनिमेशन मुझे दिखा अभी मुझे अच्छा लगा। और हाँ एक और चीज़ कि ये जो फ़ोन है इसमें एंड्रॉयड 14 का जो ऑफिशियल अपडेट आया है यही मेजर अपडेट है, इसके बाद मुझे लगता है कि कोई एंड्रॉयड 15 का अपडेट नहीं आएगा। जो सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट है वो शायद आपको कुछ और देख सकता है कि आ सकता है, हालांकि बहुत ही कम अपडेट आता है, लेकिन वो सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट इन फ्यूचर देखते हैं कि आता है या फिर नहीं। और जो मेजर अपडेट है एंड्रॉयड 14 का वो फाइनली आया है, तो इसको आप बिंदास कर सकते हो। अगर आपके मोटोरोला G13 में अभी तक नहीं आया है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, आपको भी आ जाएगा, सबको आएगा।